लास्ट लेक्चर में हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस की बात की थी और उसी को कंटिन्यू हम आज भी कर रहे हैं और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सारा चीज आपके साथ शेयर कर लिया हुआ है। आज डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज से हम लोग स्टार्ट लेते हैं और हमने कहा था ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसी के रिगार्डिंग हम आपसे शेयर कर रहे हैं आज ये डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय इंसिडेंट रेज, ऐसा माना जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय इंसिडेंट रेज। इनफैक्ट लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर इफ एक्चुअली डाइवर्जिंग देन इट इज द रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो इंसिडेंट होते हैं वो एक्चुअली डाइवर्ज होते हुए मिरर के ऊपर फॉल करते, मिरर के ऊपर आते। सो ये रियल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। डायग्राम से भी हम लोग इसको देख लें, एक एक चीज हम आपको बेसिकली बता रहे हैं और आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। सो दिस इज व्हाट, सो द ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल। वहीं द सेम इंसिडेंट रेज आर इफ अपीयर टू कन्वर्स, सेम इंसिडेंट रेज आर इफ अपीयर टू कन्वर्स टू द मिरर, कन्वर्स टुवर्ड्स अ पॉइंट, तो उस समय में जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। सो इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट देन वी हैव अ सेकेंड फेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज आर अपीयर टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट। और भी ज्यादा क्लियर करेंगे, बोलते हैं ये तो रियल ऑब्जेक्ट को शो किया। फिर हम लोग कहते हैं इफ द इंसिडेंट रेज appear to converge at a point, then it is virtual object। हर सवाल का जवाब होता है, बस खोजने की देरी होती है। सो डोंट वरी, गो फॉर द डायग्राम ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट अपीयरेंस। प्लीज नोट डाउन, आप इसको देखो
आपने इसको, एक छोटी सी बात है, छोटा सा डेफिनेशन है, आप डायग्राम से भी इसको आगे देखते हैं और सब कुछ समझ में आएगा। दिस इज प्लेन मिरर, वन सेकेंड, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो चीजें कहती है कि ये जो रेज हैं वो इस पॉइंट पे आता हुआ, हमें इसी पॉइंट पर आकर के ये मिलते, सो ऑब्वियस दिस इज इंसिडेंट रेस और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को शो करता है। आपने ये देखा है कि दोनों ही कंडीशन में वी हैव द रियल ऑब्जेक्ट, देन एक्चुअली डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस ये टर्म्स किस तरह का रहे हैं। और आप ये समझो, हमने पहले भी बात करी थी कि ये किसी भी एंगल पर क्यों ना जाए, ये 100% क्लियर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपको पहले भी ये बताया गया कि ये इमेज है, हमने पहले ही आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के ये दिखाया था, बहुत सारी बातें भी करी थी इससे रिलेटेड हम लोगों ने। सो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी इसकी भी बात हम लोग करेंगे और आपको ये जब इमेज फॉर्मेशन की बात होगी तो पहले भी थोड़ी बहुत होगी, आगे भी होगी, तो आप देखेंगे कि लाइट रे किस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज का कन्वर्जन होता है, इंटरसेक्शन होता है। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ इमेज, गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ इमेज, डेफिनेशन ऑफ इमेज, जिस तरह से हम इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट डिफाइन करते उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे से हम लोग इमेज को डिफाइन करते हैं। सो लेट अस सी नाउ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इमेज, देन रियल इमेज डिफाइन होगा कि इफ द रिफ्लेक्टेड रेज, आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड रे से हम लोग इमेज डिफाइन करते हैं, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयरिंग टू, सॉरी ये रियल इमेज की बात है, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, कन्वर्ज एट अ पॉइंट, देन इट इज रियल इमेज, एकदम फिगर क्लियर है, देन इट इज रियल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है तो वो ऑब्वियसली रियल इमेज को डिफाइन कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। आइए इसको भी हम लोग देखते हैं, हर चीज अभी ध्यान देना है एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में। आप ये देखो इंसिडेंट रे है, ये यहाँ कन्वर्ज हुआ और ये इंसिडेंट रे है और ये यहाँ कन्वर्ज हुआ, आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट सी दिस इज रियल इमेज, कहने की जरूरत नहीं, दिस इज इंसिडेंट रे और प्रीवियस डिफिनेशन के बेस पर अगर चले तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डॉट हमें नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये रियल इमेज। ऑब्वियसली आपने ये देखना है कि ये रियल इमेज है जब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल था। बस अब जब एक बार हम लोगों ने रियल इमेज को डिफाइन कर लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल इजी होगा कि हम वर्चुअल इमेज को भी डिफाइन करें।
सो वर्चुअल इमेज, अब आप समझ ही गए होंगे कि वर्चुअल इमेज कैसे डिफाइन होगा। जब हमने रियल इमेज को डिफाइन किया तो हमने कहा कि इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट देन इट इज रियल इमेज एंड द फिगर इज क्लियर नाउ। सेम इज द सिचुएशन व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू डाइवर्स, रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट, देन इट विल बी द वर्चुअल इमेज। सो गो फॉर द डेफिनेशन कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज appear to diverge from a point, or if this happens so point, then it is virtual image. I think you are clear now, then it is virtual image. Reflected ray appear to diverge from a point. The position of virtual image declared there. So go for the diagram of this definition. Please see now. और आपको ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा अब अपने बोर्ड पर. Come to the screen and see. Virtual image, reflected ray appear to diverge virtual image. This is virtual image. This is virtual image from a point. So if the object is real, this is a real object and this is virtual image. अब इस दोनों ही एग्जाम्पल पर आप ध्यान दो तो आपको ये समझ में आएगा कि जब हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो रियल इमेज बनता था और जब हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। सो क्लियर है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज बनता है। सो ये बात अब 100% क्लियर है और हम लिख भी सकते हैं फाइनली इन प्लेन मिरर फॉर द रियल ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज always virtual and vice versa. बच्चों vice versa का मतलब क्या लेते हैं हम? Vice versa से हमारा मतलब है if object is real then image will be virtual and if object is virtual then image will be real. और दूसरी interesting बात है, ये पहले से भी हम लोग जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। फ्रॉम द मिरर व्हाटएवर बी द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट द सेम विल बी फॉर इट्स वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इमेज डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन ऑफ इमेज हमने पहले डिस्कस कर लिया।
इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग दो लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। पहला नॉर्मली रे, तो यहाँ पर भी आप देखो कि द फर्स्ट रे इज नॉर्मल इंसिडेंट, दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोगों ने आगे प्रोड्यूस किया और जो हमारा ये रिफ्लेक्शन, हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने दो लाइट रे लिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट पर या अपीयर टू इंटरसेक्ट पॉइंट पे जो हमारा इमेज बनता है वही है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इमेज बना करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे से हम इमेज डिफाइन करते एंड इंसिडेंट रे से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते, यही बात सिखानी थी थोड़ी सी आप लोगों को। और आइए थर्ड लेक्चर में हमने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, आई थिंक कि आपने उसे कर लिया होगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा इशू था नहीं, उसको इतने अच्छे तरीके से हमने उसके जो वर्कआउट थे उसको इतना अच्छा से मैंने सिखाया था आपको कि आई थिंक कि वो आपको समझ में भी आया होगा, और उसके हेल्प से हमने और भी आपको P1 P2 दिखाए थे, उस पर भी हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए कहा था आपको, तो ये सभी उसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद उसको एनालिसिस करके देखने समझने की बात है। सो ये सारी चीज़ें होगी। अब आइए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी बात हम लोग करेंगे उसको भी, लेकिन उसका अलग फेज हम लोग इसके बाद उठाएंगे। कुछ प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको शेयर करते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बिल्कुल आराम से चार पांच चीज़ें हैं इसमें जो हम लोगों को तरीके से जानना है, बस उसको एक एज ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सम नोटेबल पॉइंट्स, प्लेन मिरर में से रिलेटेड कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी हम लोग बात करते हैं, इसको मतलब थोड़ा ध्यान देने की है, थोड़ा सा सीरियसली देखना है। सबसे पहले हम ए नंबर में आपको प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन यहीं से शुरू करते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जनरली डेविएशन के एंगल को हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और आइए देखते हैं डेविएशन का मतलब क्या होता है। एक डेली लाइफ में भी हम लोग कहते हैं कि वो अपने पाथ से डेविएट कर गया, वो अपने टारगेट से डेविएट कर गया, मतलब क्या कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो टर्मिनल पॉइंट था, हमारा जो पाथवे था जहां हम जाना चाहते थे, बाय एनी रीजंस हम वहां से, हमारी सोच, हमारा इंटेंशन चेंज कर गया और वहां हम जाने के अलावे कहीं और चले गए, तो दूसरा या सामने से कोई ये कहता है, बल्कि बोल देते कि वो डेविएट कर गया, मतलब अपने ओरिजिनल पाथवे से शिफ्ट कर जाने की जो हमारी टेंडेंसी होती है उसी को डेविएशन कहते हैं। उसी लॉजिक को, उसी कॉन्सेप्ट को लाइट रे में रिफ्लेक्शन, और फर्दर जब हम लोग आगे रिफ्लेक्शन पर भी बात करेंगे तो वहां पर भी हम लोग इस चीज को देखेंगे कि डेविएशन होता क्या है। So it is the angle shifted by the light ray from its original path. जब reflection की बात करते हैं तो reflection का reason लेते, जब आगे reflection की बात करेंगे तो reflection के phenomenon की वजह से जो अपने path से वो shift करेगा वही deviation का angle माना जाएगा। So please note down, angle of deviation delta, it is the एंगल थ्रू विच द
light ray just shifts from its original path of propagation, अपने ओरिजिनल प्रोपेगेशन के पाथ से लाइट रे के शिफ्ट कर जाने वाले उस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। सो इन रिफ्लेक्शन है ना एंड इन केस ऑफ प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में अब आप देखें कि मैंने अगर यहाँ एक प्लेन मिरर लिया, आप कहोगे कि सर स्फेरिकल में, तो वहां भी हम लोग बात करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रे। दिस इज, अगर ये मिरर नहीं होता तो आप खुद ये जज करो कि ये लाइट रे लगातार लगातार रेगुलरली कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन को परफॉर्म कर रहा था, इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता रहता, लेकिन इसके आ जाने से नाउ जस्ट प्रोड्यूस अ नॉर्मल, देन यू विल सी इफ दिस इज एंगल आई इंसिडेंट एंगल, कंफर्मली दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली ये अगर हमारा, मैं इसको ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बताता हूँ, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप ये देखो कि कितने से आपने इसको डेविएट होते हुए देखा, इधर जाने से टर्न लेकर के ये इधर आ गया, सो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन। ऑब्वियसली द टोटल एंगल इज 180 डिग्री, सो 180 डिग्री में से अगर मैं आई प्लस आर को सब्ट्रैक्ट करूं, क्लियरली वी विल बी गेटिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। इसलिए डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, लेकिन आप तो हम लोग ये जानते हैं, बट आई इक्वल टू क्या होता है आर के, इसलिए डेल्टा की वैल्यू हम लोग 180 डिग्री माइनस 2i, और यही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है। एक चीज और भी बता दूं मैं आपको कि प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। बट देयर इज ऑल्सो एन अनदर एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द प्लेन मिरर, हेयर इज थीटा, इज गिवन द स्पेशल नेम एंड कॉल्ड द ग्लांसिंग एंगल। ये नोट में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट कर भी लिया होगा, बल्कि मैं आपसे अब ये शेयर करता हूं कि व्हाट इज कहते हैं इन द डायग्राम। नोट में ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल हिडन कंसेप्ट हैं, और इस पर इसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, करना नहीं चाहिए, बट सबकी अपनी अपनी बात है। कहते हैं इन द डायग्राम,
इन द डायग्राम, जो डायग्रामिंग हम लोगों ने किया हुआ है, इन द डायग्राम थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द मिरर, विथ द मिरर, विथ द मिरर, नॉट ओनली मिरर बट इट इज प्लेन मिरर, इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल, दिस इज नेम ग्लांसिंग एंगल, दिस इज द नेम ऑफ स्पेशल नेम, प्लीज नोट डाउन, दिस इज ग्लांसिंग एंगल। सो थीटा इक्वल टू ऑब्वियसली 90 डिग्री माइनस आई, इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन में ये डिफाइन किया जाता है एंड यूनिक वैल्यू है, इट इज द यूनिक वैल्यू, 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। सो आफ्टर दिस पॉइंट आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नंबर पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू। आप क्या करो, एक प्लेन मिरर ले लो और उस प्लेन मिरर के सामने आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दो, फिर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को पिक्चर करने के लिए, फोटोशूट करने के लिए एक कैमरा लगाओ और वो कैमरा एक अलग डिस्टेंस पे लो। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं, पहले हम इसको समझ लें और तब जाकर के इसको हम लोग नोट करेंगे। सो ये सी नाउ, दिस इज प्लेन मिरर एंड दिस इज द लाइन, दिस इज मिरर एम एंड हेयर इज ऑब्जेक्ट, एंड सपोज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ए एंड अ कैमरा इज फिटेड Suppose this is the camera, this is the camera, this is the camera and it is, ये है camera, camera का क्या रोल है वो कहने की बात नहीं, and it is at distance B from the mirror. और कैमरा खुद किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी इमेज का फोटोशूट नहीं करेगा तब तक जब तक हम उसे किसी खास डिस्टेंस पर फिक्स ना करें, ये मालूम है, वी ऑल नो अबाउट दिस, द कैमरा इज टोटली फिक्स्ड फॉर अ टारगेट हुज फोटो इज टू बी शूटेड। देन प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट तो हमें मालूम है कि अगर ए डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्लियरली ये मिरर से एक डिस्टेंस पीछे जाकर के ही इसका इमेज बनेगा। सो दिस मस्ट बी द पोजीशन ऑफ इमेज। इसमें और बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, अभी धीरे धीरे पॉइंट देखिए कि इमेज जो है सो इस तरह से अगर ये रिवर्स करता है तो कैसे करता है, क्या इसके सिचुएशंस होंगे, सब पर बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सो हैव पेशेंस प्लीज। कहते हैं नाउ थ्री सिचुएशंस आर देयर, वी हैव थ्री सिचुएशंस एंड द फर्स्ट वन
ए नंबर में या एक नंबर लगाइए, नंबर वन, इफ द कैमरा इज फोकस्ड एट अ डिस्टेंस बी माइनस ए, सो एट डिस्टेंस बी माइनस ए वी हैव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैमरा, एट डिस्टेंस बी माइनस ए वी हैव ऑब्जेक्ट, इफ द कैमरा इज फोकस्ड at distance b minus a, then only object, आप कहोगे सामने मिरर भी है, सामने इमेज भी है, सामने ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये कैमरा क्यों नहीं ऑब्जेक्ट का, इमेज का, मिरर का, सब का फोटो एक साथ ले लेता? इट विल नॉट हैपन। इफ द कैमरा इज फोकस्ड एट डिस्टेंस बी माइनस ए, देन ओनली ऑब्जेक्ट विल बी पिक्चर, देन ओनली ऑब्जेक्ट इज पिक्चर, कोई डॉटफुल पॉइंट नहीं है, इस डॉट में नहीं रहना है, इस कंडीशन में ओनली ऑब्जेक्ट ही पिक्चर किए जा सकेंगे। So, if camera is focused at distance b minus a, then only object will be pictured, only object will be pictured। और आइए अब क्या करते, फोकस करते इसको अब b plus a पर, so in the second point will be now, the second point will be now, if the camera is focused at distance b plus a, then only image, only image is pictured। यही सब तो लाइट का, यही तो ऑप्टिक्स का ग्लोरियस पॉइंट्स है, जिसके विषय में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये होता है, एंड वी ऑल बी एंजॉयफुल बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट। So if the camera is focused at distance b plus a, then only image is pictured। Number three, if the camera is focused at distance b, ध्यान दें, now the camera is focused to the mirror directly, तब क्या होगा, then object and image both will be pictured, this is only the situation, both will be पिक्चर, दोनों को पिक्चर किया जा सकेगा, और यही ब्यूटी है इस कैमरा के द्वारा फोटो शूटिंग की, आपका भी फोटो ले सकेंगे, आपके दोस्त का भी फोटो ले सकेंगे एक साथ, और ये सब सिचुएशंस होंगे जहां आपका दोस्त जो है वो आपका इमेज होगा। सो इफ यू आर बिफोर द प्लेन मिरर एंड कैमरा इज अलाउड टू पिक्चर बोथ यू एंड योर फ्रेंड, देन the camera should be focused at the mirror directly। so ये भी पॉइंट हमने सिखा दिया आपको, आप लोग धीरे धीरे प्लेन मिरर की बहुत सारी बातें सीखते भी जा रहे हैं, और अभी एक लेक्चर और हम ऑलमोस्ट लेंगे, बल्कि एक लेक्चर में हो जाना चाहिए उसको, बहुत अच्छे अच्छे इमेज फॉर्मेशन में जब आएंगे तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस में एक से वेरियस एंड क्लासिकल चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, और थोड़ा सा अच्छा होगा, वो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, और वो क्या है,
कि आप किसी प्लेन मिरर के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट करो, ऑब्वियसली देयर विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ द कॉन्सेप्ट स्टेट्स बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, उसके पोजिशन को, सोर्स को हमने अपनी जगह पे रखा, उसको कांस्टेंट कर दिया जहां से वो लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, और मिरर को हमने क्या किया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. तो थ्योरी कहती है इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन इंसिडेंट देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा डबल से. ऐसा नहीं कि वो उस रिफ्लेक्शन एंगल से डबल हो जाता, नो, मिरर को जितने एंगल से हमने शिफ्ट किया हुआ है उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर जाता है. कहते हैं कि बाय कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, बाय कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को मैं फिक्स करके इफ द प्लेन मिरर, इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा. आइए, यही तो प्लेन मिरर है, यही प्लेन मिरर है, एंड दिस इज इंसिडेंट रे. फिक्स्ड है इसका स्टेटस, इसके पोजीशन को हमने अपनी जगह बनाए रखा. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, मैं आपको नॉर्मल ड्रॉ करके रिफ्लेक्टेड दिखा दूं. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. नाउ द प्लेन मिरर इज टर्न्ड, द प्लेन मिरर इज टर्न्ड by theta, plane mirror is turned by theta, plane mirror is turned by theta. Now the mirror is here, the position of mirror is turned by theta. The situation declares, now this is the second position of reflected ray. This is R1 and this is R2. R2 मतलब second position after turning the mirror, after rotation of mirror by theta. This is the second position of reflected ray, because जब mirror turn करेगा तो reflected ray को भी वो shift कराएगा, वो भी अपना position change करेगा. इंसिडेंट रे चूंकि सोर्स से आ रही है और मैंने इसके पोजीशन को फिक्स रखा है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है. ये है हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो ये हमारा 2 थीटा से टर्न कर जाता है, यही थ्योरी कहती है. एकदम बेसिकली कहीं पर भी कोई अंडरस्टैंडिंग के और इन सब के बेसिक ज्योमेट्री पर आप जाने की जरूरत हम लोगों की नहीं है. सिर्फ ये ट्रिक है, एक टिप्स है, जिसे हम लोगों को बिल्कुल एक नोटेबल पॉइंट की तरह ध्यान में रखना है. ये बहुत पुरानी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, इसके ज्योमेट्री में जाने की जरूरत नहीं है. और हम लोगों को, हम लोग थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं. सो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया आपके लिए. इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद आइए हम आपको एकदम बिल्कुल कहीं पर भी, अगर हमसे कोई पूछता है कि प्लेन मिरर का
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करता है, क्योंकि ये बात भी है कि एक प्लेन मिरर भी एक ऐसे स्फेरिकल ग्लास सरफेस का कटा हुआ पार्ट होता है। इस ग्लास सरफेस का डायमेंशन बहुत बड़ा हो, जिसका रेडियस इनफिनाइट साइज का हो, इसका सेंटर भी इन्फिनिटी पर लाई करता हो। हर एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल एज ब्रॉडली वी थॉट, ब्रॉडली वी थिंक। सो प्लीज गो अहेड, दिस इज द केस। हमने देखा कि अगर मैं मिरर को शिफ्ट करता हूं तो ये इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है रिफ्लेक्टेड रे का वो कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ वन। सपोज आई एम बिहेविंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, या मैं आंख वाला ऑब्जेक्ट हूं, विजिबिलिटी है अपन के पास और हम अपना हाइट कैपिटल एच लिए हुए हैं, एंड हम चाहते हैं कि हम अपना कंप्लीट इमेज सामने रखे हुए प्लेन मिरर में देखें, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, उसके लिए पोजीशन हमें सेट करना होता है, वो अलग बात है क्योंकि पोजीशन के हिसाब से मिरर का हाइट भी एडजस्ट होगा, बट वी वांट टू सी आवर कंप्लीट इमेज इन दैट प्लेन मिरर। देन हमारी थ्योरी कहती है कि अगर हमारा हाइट एच है तो हमारे पास कम से कम एच बाई टू हाइट का प्लेन मिरर होना चाहिए, एंड लेटर ऑन हम अगर उस पर देखना चाहे अपना कंप्लीट इमेज तो पॉसिबल हो सकेगा। इसी को आइए देखते हैं। नाउ वी हैव अ प्लेन मिरर, वी हैव अ प्लेन मिरर एंड ये हैं हम, या मैं ही क्यों रहूं, आप भी हो सकते हैं, ऑफ हाइट एच। हेयर इज आई, सो इतना तो कंफर्म है कि जो हमारा पोजीशन होगा वो हमारे आंख का पोजीशन हमारे हेड के टॉप से कहीं न कहीं क्या होगा, ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। आइए देखिए इसका सिंपल सा, ये इधर से एक लाइट रे आया हमारी आंखों में और इधर से भी एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ और वो भी गया हमारी आंखों में। इफ वी आर ऑफ हाइट एच, देन द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू व्यू द कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आईज शुड बी ऑफ एच बाय टू। तो कहते हैं डायग्राम को क्लियर करना, डायग्राम को बनाना है और उससे विजिबिलिटी आएगी। अ मैन ऑफ हाइट एच, अ पर्सन ऑफ हाइट एच, इफ वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर, देन मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ हिज हाइट, दैट इज एच बाय टू। सो मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन ऑफ हाइट एच शुड बी एच बाय टू। दिस इज द पॉइंट,
इसको मिटा दो, ऑर्डर है सो प्लीज गिव मी द ऑर्डर। अब एडवाइस का दौर खत्म हो गया, अब स्टूडेंट्स ही हमारे मालिक होते हैं और हमारे जो लर्नर्स होते हैं, जो भी प्यार से, गुलाब से और एक मोहब्बत के साथ इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद ब खुद इस बात को रियलाइज़ कीजिए, आप खुद ब खुद इस बात को एहसास भी हो रहा होगा। स्टार्टिंग में लगता होगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अब आप देखते चलो धीरे धीरे। इसी का एक एनालॉग है कि एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच एंड अ प्लेन मिरर, इन बिटवीन, इन द मिडल, एट द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पोजिशन, एंड देन द ऑब्जर्वर वॉन्ट्स टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड हिम इन द प्लेन मिरर, देन मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी एच बाई थ्री। आइए देखते हैं नंबर फाइव पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव, दिस इज ऑब्जेक्ट, सपोज अ पिलर ऑफ हाइट एच एंड हेयर इज द प्लेन मिरर, Here is the plane mirror. Distance between the mirror and the object is d. Obviously, observer किस height का है वो अभी यहाँ matter नहीं करता, लेकिन अगर ये चाहता है कि इसका इमेज हम कंप्लीटली देखें इस मिरर में, तो सिचुएशन विल बी लाइकली दिस। एंड आप ये कह सकते हैं कि इसका जो हाइट है वो होता है h अपॉन 3। प्लीज नोट दैट दिस डिस्टेंस मस्ट बी डी बाई टू, द पोजिशन इज फिक्स्ड इन द सेंटर पॉइंट इन द मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस पिलर इज ऑब्जेक्ट और इसी का इमेज देखना है, इसलिए लाइट रे आप खुद ही देखो कि इंसिडेंट हुआ है कहाँ से, ऑब्जेक्ट से, इसके टॉप व्यू से लिया मैंने, इसके रेयर व्यू से लिया हमने, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आंखों में वो जाता है और वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज देख पाता है। सो कहते हैं द ऑब्जर्वर, ये सब चीजें आपको समझ लेना है, द ऑब्जर्वर लाइंग इन द मिडल then position, then minimum height of mirror, plane mirror, minimum height of plane mirror must be h by 3 to see the complete image, to see the complete image of object. Complete image of
object of height h। बस आज इतना ही आप आज के लेक्चर में, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा प्यारे बच्चों, माय बॉयज डियर स्टूडेंट्स, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, आपसे गुजारिश है, एक माइल्ड रिक्वेस्ट है कि लेक्चर्स को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखें, हर पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें और जहां तक हो सके उसे अपने मेमोरी में रखने की कोशिश करें, अपने को ब्रॉड बनाएं, हमसे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें, हमारी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। फिजिक्स तो अपनी जगह है और जहां भी वो है उसे अपना बनाने के लिए हमें अपना बनाना होगा, क्योंकि हम एक जरिया है उस फिजिक्स और आपके बीच में, आप तक अच्छे तरीके से सब्जेक्ट डिलीवर करने के लिए एक डेडिकेशन के साथ हम आपको शेयर कर रहे हैं। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़े, थोड़ा टाइम लगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यू आर द स्पेरेंट्स, यू हैव टू अपियर इन अ वेरियस एग्जामिनेशंस, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग 12th बोर्ड जेई नीट। और मैं तो कहता हूं कि आप क्यों, हम लोग तो बिल्कुल अपने फाइनल टारगेट पर जाकर के ही आराम करेंगे। प्रॉब्लम्स का जब लॉट स्टार्ट होगा, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देंगे। कितने भी लेक्चर्स आप ऑब्जर्व करते होंगे यूट्यूब खोलने पर, आपको लॉट ऑफ लेक्चर्स आर देयर, बट आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा क्लियरेंस, सबसे बेहतरीन तरीके से एक रिलैक्स मूड में आकर के आराम से विजिबिलिटी के साथ हम आपको ये चीज सिखा रहे हैं। सो आप इस लेक्चर्स को सही तरीके से देखो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ताकि फर्दर हमारा और भी पार्ट का, फिजिक्स के हर पार्ट के, हर चैप्टर्स के लेक्चर आपके लिए आने वाले हैं, और उसको देखकर बड़े से बड़े कंप्यूटर्स को, अच्छे से अच्छे एग्जामिनेशंस को हिट करने के, क्रैक करने के स्किल्स जो होंगे वो भी हम आपके साथ लगातार शेयर करते चलेंगे। और आज के लेक्चर को मैं स्टॉप देता हूँ, और जो अगला लेक्चर है आपका ऑप्टिक्स का, यानी प्लेन्स सरफेस रिफ्लेक्शन में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें आने वाले हैं, और दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर। कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपके सामने आए। सो जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद का है, उस लेक्चर को थोड़ा सीरियस होकर के और अच्छे से रिलैक्स स्टेट में खुद को रखते हुए आप शेयर करेंगे। एंड हम मानते हैं कि आप सो वेल, सो गुड, और हर हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखिए, हमारे इम्पोर्टेंस को समझिए, फिजिक्स के इम्पोर्टेंस को समझिए, एंड गुड बाय।